दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन का जो यूएस का सेलर अकाउंट होता है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं और अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं टाइम से, तो उस केस में क्या होता है। और इसके साथ ही जब आप इसकी पेमेंट अगर नहीं करते हैं, तो पेमेंट का मैं टोटल आपको स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा कि अमेज़ोन का जो यूएस का जो सेलर पैनल होता है, यानी यूएस का आपका सेलर अकाउंट है, उसके चार्जेस जो होते हैं मंथली आपसे कितने डिडक्ट किए जाते हैं। अगर वो चार्ज आप पे नहीं करते हैं तो अमेज़ोन आपका सेलर अकाउंट जो है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर मैं उसको रीएक्टिवेट करने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा, और इसके साथ ही अमेज़ोन की ओर से जो यूएस का जो सेलर अकाउंट होता है उसमें आपसे कितने चार्ज लिए जाते हैं, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएस का ये मेरा सेलर अकाउंट है जो कि मैंने ओपन किया हुआ है, और इसमें जब भी आप यूएस का सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको तीन कंट्री के अंदर जो है अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करके देता है अमेज़ोन, यानी यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। इन तीन कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तीन कंट्रीज़ के लिए। और अगर मैं जैसे आपको बात बताऊं कि स्टार्टिंग में जब आप अमेज़ोन पे अगर कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन जो करते हैं, तो उस केस में पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड चलता है। जब मैंने अपना सेलर अकाउंट क्रिएट किया था तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उस केस में मेरे को फ्री मिला था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि केवल $1, आप देखेंगे $1 के अंदर जो है आपको 6 महीने तक का टाइम मिल रहा है। तो 6 महीने के अंदर अभी आपको इसमें कि आप अगर कोई भी अपना अकाउंट बनाते हैं, स्पेशली इंडियंस जो अगर बनाते हैं, और वो भी 30 सितंबर 2024 से पहले पहले अगर आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट करते हैं, तो केवल $1 के अंदर आप 6 महीने तक का आपको टाइम मिल रहा है। लेकिन जब मैंने इसमें लिस्ट किया था तो मुझे 3 महीने का टाइम मिला था, और उसके बाद में आपको USD जो डॉलर दिख रहा है यहाँ पे $39.99 आपको पे करने होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अपना आप इसमें कोई इसको ऑपरेट नहीं करते हैं, यदि कि अगर आप इसमें पेमेंट आप टाइम से अगर इसके नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है। तो जैसे मैं अभी पहले आपको मेरा ये अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी मेरा अकाउंट लाइव है। लाइव होने के साथ ही आप देखेंगे जो मेरी लिस्टिंग है वो सारी की सारी इसमें एक्टिव है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक्टिव, यहाँ पे जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अभी आपको दिखाता हूँ जो कि लाइव है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा अकाउंट भी अभी यहाँ पे एक्टिव है। आप देखेंगे टोटल यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री के अंदर है, मैक्सिको के अंदर, कनाडा के अंदर, यूनाइटेड स्टेट में, और लिस्टिंग मेरी सारी एक्टिव है। तो ये सारी लिस्टिंग भी मेरी एक्टिव है, लेकिन ये कब हुआ, जब मैंने इसकी पेमेंट की है। तो अगर मैं इसकी पेमेंट नहीं करता, अब जैसे मान के चलो मैं अगर पेमेंट नहीं करता तो क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ, और पेमेंट मैंने कितनी की है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पिछले मंथ का मेरा अपना क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे तीनों कंट्रीज़ का जो है यहाँ पर ये अमेज़ोन का ही ये पेमेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये पेमेंट की है जो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये पेमेंट हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ोन ने जो है मैक्सिको जो कंट्री होती है मैक्सिको के लिए यहाँ पे पेमेंट लिया है ₹263.12 जो मैक्सिको की जो करेंसी होती है, यानी MXN की अगर इंडियन आर में करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ MXN to INR, और अब यहाँ पर जो मेरे से जो पेमेंट लिया गया था कितना मैक्सिको का, आप देखेंगे कि ₹263.12, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ₹263.12। तो एप्रोक्स आप देखेंगे कि मैक्सिको जो होता है इसमें इंडियन रुपीस के हिसाब से कितना हो जाता है ₹1,111, यानी कि आप देखेंगे अगर इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर में भी कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्स यहाँ पे आपको निकल के आ जाता है ये $12 या $13 जो भी निकल के आ जाता है। अगर इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करके मैं अगर INR कर देता हूँ, डॉलर में कर देता हूँ यहाँ पे मैं US डॉलर, अगर मैं इसको डॉलर में कर देता हूँ, जैसे डॉलर टू मैक्सिको करेंसी में जो होता है, अब यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ ₹263 कर लेता हूँ, तो अप्रोक्स $13 तक का जो है अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाता है वो मैक्सिको की करेंसी के हिसाब से। और यहाँ पर इसके बाद में होता है कनाडा, अब कनाडा के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना 13.15 जो कनाडा का जो डॉलर होता है वो उसके अलग से हिसाब से होता है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ CAD to INR, और यहाँ पर कितना कनाडा का मेरे को कितना लिया गया था वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे
अप्रोक्स 13.15, तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ 13.15, तो यहाँ पे 813 रुपये जो है उसका अमाउंट निकल गया जाता है। और ये यूएस का तो आपको पता ही है कि 17.54 डॉलर, और यहाँ पर ये कन्वर्ट करके भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 263 कितना हो गया, 1288.96 रुपये, और यहाँ पे कनाडा का जो कितना पेमेंट है 833 रुपये का अमाउंट होता है, और यहाँ पे यूएस का जो होता है 17.54 डॉलर है, जो कि 1519 रुपये निकल के आ जाता है। तो दोस्तों ये एक रियलिटी है, अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं तो तीनों कंट्रीज़ के अंदर जो है अमेज़ोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, और डीएक्टिवेट करने के बाद में वो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप पर्टिकुलर अपना जो अमेज़ोन का सेलर अकाउंट है आपका यूएस वाला, कौन से किस कंट्री के अकाउंट को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो जब आप .com amazon.com का ऑप्शन होता है, उसमें तीनों कंट्रीज़ के जो अकाउंट होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। मेक्सिको का अगर आप अलग से चाहते हैं, पर्टिकुलर एक मेक्सिको कंट्री जो होती है उसी के अंदर अगर आप अपना अकाउंट एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको होता है कि आप मंथली जो है आप यहाँ पे मेक्सिको के अंदर रखना चाहते हैं, तो 1288 रुपये की जो पेमेंट होती है वो पेमेंट करेंगे तो आपको मेक्सिको कंट्रीज़ के अंदर जो अपने अकाउंट को एक्टिवेट रहेगा। इसके अलावा अगर कनाडा में आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो कनाडा के लिए आपको पेमेंट करनी होगी 833.48 रुपये की, यानी अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 850 रुपये तक की पेमेंट आपको कनाडा जो है उसके लिए रखनी पड़ेगी, पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी होगी। और यहाँ पर यह होता है यूएसडी, अगर आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर अपने सेलर अकाउंट को एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो उस केस में आपको 17.54 डॉलर पे करने होंगे, जिसके की अमाउंट निकल के जाता है 1519 रुपये। तो अप्रोक्स आपको यहाँ पे 1500 रुपये तक की पेमेंट जो होती है यूनाइटेड स्टेट के अंदर अगर आप अपने जो सेलर अकाउंट आपका रहता है, क्योंकि तीन कंट्री का ऑप्शन देता है आपको, तीनों कंट्री में से अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर सेल करना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट पे करके उस कंट्री का अकाउंट आप जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो जाता है तो डीएक्टिवेट होने के बाद रीएक्टिवेट जब आप करते हो तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर मेक्सिको के लिए, कनाडा के लिए और यूएस के लिए, इसके साथ ही .com को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके सामने इसमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको टोटल पेमेंट करनी होगी। तो अब अगर आप पे करते हैं तो क्या होता है उस केस में, मैं दिखा देता हूं। उससे पहले कि ये मैंने वीडियो कैप्चर की है, जब मैंने इसकी पेमेंट नहीं की थी, यानी पेमेंट कर चुका था लेकिन जब मेरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट था, तो मैं आपको यहां पे प्ले करके दिखा देता हूं। तो ये वाला जब मैंने अभी आपको एक्टिव अकाउंट, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो मेरा अकाउंट अभी एक्टिव है, और ये उस वक्त का है जब मैंने अपनी पेमेंट कर दी थी, लेकिन पेमेंट करने के साथ ही मेरा अकाउंट तब ये इसमें डीएक्टिवेट था, क्योंकि मैं इसको ऑपरेट नहीं कर पाया था, इस वजह से अमेज़ॉन ने मेरे इस अकाउंट को जो है डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये देखेंगे कि आप यहाँ पे मेरा जो अकाउंट था करंटली जो है तो लिमिटेड एक्सेस जो होता है उसके अंदर चला जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि रीएक्टिवेट अगर आपको करना होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों कंट्रीज़ के अंदर जो है मेरी लिस्टिंग जो होती है इनएक्टिव है, तीनों कंट्रीज़ के अंदर आप देख सकते हैं अकाउंट मेरा एक्टिवेट हो गया था, लेकिन उस केस में मेरी जो लिस्टिंग्स जो आप देखेंगे वो डीएक्टिवेट थी। तो रीएक्टिवेट करने के लिए आप वापस जो रीएक्टिवेट का ऑप्शन होता है उसमें आपको जाना होता है, और यहाँ से अपनी कंट्री को आपको सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री से भी, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ पे इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वापस आपको रिसबमिट करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पहला जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें आपको अपना वोटर आई कार्ड या अपना आधार कार्ड आप सेंड कर सकते हैं, सेकेंड नंबर के अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट होता है या क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको शेयर करना होता है, और इसके साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर होता है और आपका जो ईमेल एड्रेस होता है वो आपको इसमें देना होता है। और जब ये कंप्लीट वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो सेलर अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पेमेंट मैं कर चुका था। तो अगर आप पेमेंट करने के साथ ही अगर ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा रिसबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो सेलर अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को आपको एक मतलब ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं होता है, जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपको वापस रिसबमिट करने होते हैं, एक आपको अपना आधार कार्ड होता है वो सबमिट करना होता है, या पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं, अपना वोटर आई कार्ड भी दे सकते हैं, और अपने क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है वो भी आप इसमें अपलोड करके दे सकते हैं। तो उसके बाद में जो आपका अमेज़ोन का जो यूएस का सेलर अकाउंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था, अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, और करने के बाद में जो है मेरा यहाँ पे अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैं इस पे जो कैश लॉग होता है उसमें अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पर वो उसकी एक मेल भी आपको रिसीव हो जाती है जब आपको अकाउंट जो होता है इसका एक्टिवेट हो जाता है। तो उस केस में तो मैं यहाँ पे अपने जो कैश लॉग होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे फॉर्म सेरल आर्टिकल्स, ये गो टू कैश लॉग,
तो यहाँ पर मैंने जब मेरा अकाउंट जब डीएक्टिवेट हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इनको इस चीज़ का, जब मैंने टिकट इरेज किया था और जब मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर इनकी तरफ से इसको जो वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये यह हो गया प्रोवाइड द कम्प्लीट वेरीफिकेशन प्रोसेस, यानी इन्होंने जो है इसको वेरीफिकेशन को कम्प्लीट कर लिया है। कम्प्लीट करने के साथ ही आप देखेंगे कि मेरा जो सेलर अकाउंट था वो एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, फॉलो करने के बाद ही आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और अब इसके बाद में, अब ये जो मेरा सेलर अकाउंट है, मैं तीनों कंट्रीज़ के अंदर अपनी जो लिस्टिंग है वो कंटिन्यू इसमें करूँगा, और करने के साथ ही मैं आपको आगे का जो प्रोसेस होता है लिस्टिंग का, इससे प्रीवियस भी मैंने वीडियो बनाई थी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर मेरे को कुछ ऑर्डर्स रिसीव हुए थे, इसके बाद मैंने कनाडा और मैक्सिको जो होता है इन कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ लिस्टिंग की है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे, अगर मैं इसमें लिस्टिंग आपको दिखाऊँ तो मैंने अपनी इतनी ज़्यादा लिस्टिंग इसमें नहीं की है, मैंने ऑल इन इन्वेंट्री में जाके आपको दिखाता हूँ। तो टोटल अप्रोक्स अगर आप मान के चलिए कि मेरी इसमें लिस्टिंग कितनी है, अप्रोक्स 14 जो लिस्टिंग है, ज़्यादा लिस्टिंग इसमें मैंने नहीं की है। तो बाकी के जितने भी कंट्रीज़ के अंदर होता है, तो मैं आपको यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से आप लिस्टिंग करेंगे, मैक्सिको के अंदर, कनाडा के अंदर और यूनाइटेड स्टेट जो होता है इन कंट्रीज़ के अंदर जो लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के साथ ही जो इसके चार्जेस के बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो होती है आने वाली जो मेरी वीडियोज़ होगी उसके अंदर अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये वाला जो प्रोसेस होता है, स्पेशली मैंने ये बनाया कि अमेज़ॉन का जो यूएस का जो सेलर अकाउंट होता है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं और उसकी अगर पेमेंट नहीं करते हैं, तो तीनों कंट्रीज़ के अंदर आपका सेलर अकाउंट जो क्रिएट होता है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है अमेज़ॉन की जो सेलर सपोर्ट टीम होती है उनकी ओर से। तो इस केस में आपको दोबारा अपना रीएक्टिवेट करने के लिए एक तो पेमेंट आपको करनी है, चाहे आपके पास ऑर्डर रिसीव हो चाहे ना हो, लेकिन पर्टिकुलर जो अमाउंट आपको होता है कि $39.99 अप्रॉक्स $40 तक की पेमेंट आपको करनी होती है, और पेमेंट की पूरी डिटेल मैंने आपको दिखाई है कि कंट्री वाइज अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस कंट्री का कितना कितना पेमेंट आपको करना होता है। तो ये पूरी डिटेल है दोस्तों, ये जो कि लाइव है, और मैं ये मंथली पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो इसकी पेमेंट करता हूँ, और ये प्रीवियस मंथ आप देखेंगे कि सितंबर का टाइम है, ये अगस्त की जो पेमेंट है मेरी अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट की थी, लेकिन उस केस में आप देखेंगे कि एक भी ऑर्डर जो था मेरे को इसमें रिसीव नहीं हुआ, लेकिन मुझे अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये जो चार्जेस होते हैं ये मुझे पे करने ही करने हैं। अगर ये मैं पे नहीं करता हूँ तो अमेज़ॉन का मेरा जो सेलर अकाउंट होता है यूएस वाला, वो अमेज़ॉन की ओर से जो उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, और फिर मुझे दोबारा उसको रिसबमिट करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, तब जा करके वो मेरा अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा अमेज़ॉन का जो यूएस का सेलर अकाउंट होता है उसकी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, पेमेंट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट जो होता है तो वो सबमिट करने होते हैं, उसी के बाद में आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।